छतरपुर के सिटी कोतवाली थाने पर हमले के बाद आरोपियों पर कार्यवाही को लेकर अब देश भर में सियासत गर्म हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बार पलटवार की राजनीति कर रही है। छतरपुर मामले में पुलिस की कार्यवाही को राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक जाति विशेष के प्रति नफरत भरी कार्यवाही बताया। उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। शर्मा ने कहा कि इमरान प्रताप गढ़ी शेरो शायरी पर ध्यान दे, प्रताप तो हमारे पास है, वह अपनी गढ़ी बचाए। वहीं छतरपुर के मामले को लेकर विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पर तंज कसते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आरिफ मसूद आप अपने पत्र को जड़वा कर रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद इस बात को समझे कि संविधान की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। जो कानून को नहीं मानेगा, संविधान का पालन नहीं करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। आरिफ मसूद जो MLA हैं, उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाएं, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतंकी उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद आप अपने पत्र को एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वा कर मड़वा कर रख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।